जापान की मोस्ट हॉरिबल हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कुचिसाके ओन्ना। जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती थी जो मुंह पर एक मास्क लगाया करती थी एंड उससे उसका आधा चेहरा दिखता था और आधा चेहरा ढका रहता था। उसी कैंची के साथ उस बच्चे को बेरहमी से मार देती थी। सो गाइस, आजकल हम सभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए या फिर फैमिली में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो वैसे ही क्या आपको भी चाहिए एक फ्लेक्सिबल, सस्टेनेबल एंड कंफर्टेबल वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी? ओके देन, मैं आपको एक बेस्ट सूटेड जॉब के बारे में बता सकती हूँ, वो है शॉप 101। तो शॉप 101 है इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप जिसके थ्रू आप घर पे बैठ के एक एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेस वूमेन बन सकते हो। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट एंड नो हैसल इन्वेंटरी मैनेजमेंट। तो आप गूगल प्ले स्टोर से शॉप 101 को डाउनलोड कर सकते हो एंड इसके बाद उस पर रजिस्टर करना है एज अ रीसेलर एंड आपके ब्रांड को एक अच्छा सा नाम दीजिए एंड यू आर डन। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी एंड आपको जो भी चीज पसंद है आप उसी को लेके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्लोदिंग आइटम्स पसंद है आप उसको लेके भी स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करोगे आप कॉस्ट के साथ साथ मार्जिन भी ऐड कर देना एंड ये मार्जिन ही होने वाला है आपका इनकम। तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स को अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं इनको खरीदने के लिए। एंड दिन में बस कुछ घंटे स्पेंड करके ही आप महीने का 25,000 या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। एंड शॉप 101 से आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते हो, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो किस लिए वेट कर रहे हो? मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से रजिस्टर करते ही आपको मिल जाएगा 1000 शॉप 101 क्रेडिट्स एंड ओपनिंग बोनस। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक 100% ट्रू हॉरर स्टोरी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इस स्टोरी को लेके बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में भी बोला गया एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स लिखे गए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जापान की मोस्ट हॉरिबल हॉरर स्टोरी जिसका नाम है कुचिसाके ओन्ना। तो ये कहानी है जापान की। 1970 के दशक में जापान पहले से काफ़ी मॉडर्न हो गया था और वहाँ के लोग भूत प्रेत और आत्मा इन जैसी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। पर उस टाइम पे जापान में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी, कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जो वहाँ के सारे लोगों को फिर से भूत प्रेत और आत्मा जैसी चीज़ों पे विश्वास करने पे मजबूर कर दिया। तो लॉकडाउन के बारे में तो हम सभी को पता है और उस टाइम पे कुचिसाके ओन्ना के डर से जापान में लगभग मानो कि लॉकडाउन ही हो गया था। कुचिसाके ओन्ना के डर से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया। बच्चों को बिल्कुल घर पे बंद करके रखा जाता था, उनको खेलने जाने का, स्कूल जाने का, मतलब कि बाहर जाने तक का परमिशन नहीं दिया जाता था। तो कौन है ये कुचिसाके ओन्ना? बोला जाता है तब जापान की गलियों में एक औरत की आत्मा भटकती रहती थी जो मुंह पर एक मास्क लगाया करती थी एंड उससे उसका आधा चेहरा दिखता था और आधा चेहरा ढका रहता था। और वो जापान की गलियों में से गुजरते हुए बच्चों को रोकती थी और उनसे पूछती थी, Am I beautiful? क्या मैं खूबसूरत हूँ? और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी
और वो मासूम से बच्चे उसकी आंखों को देख के अक्सर हाँ में ही जवाब दिया करते थे। और तभी कुचिसा के ओन्ना अपने चेहरे से मास्क को हटा देती थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ करता था, इतने सारे घाव जैसे हुए करते थे उसके चेहरे के ऊपर कि देख के लगता था शायद किसी ने एक बहुत शार्प नाइफ से उसका पूरा चेहरा ही ऐसे करके काट दिया हो। और वो छोटे छोटे बच्चे उतनी डरावनी चेहरा की औरत को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। और तब कुचिसा के ओन्ना उनसे फिर से यही सवाल करती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? और अगर वो बच्चे हाँ में जवाब देते थे तो वो भी एक कैंची लेके उन बच्चों के मुंह में भी वैसा ही निशान बना देती थी, उनके भी मुंह को ऐसे काट देती थी और बच्चों का इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, इतना ज़्यादा खून बह जाते थे उनके बॉडी से कि वो मर जाते थे। पर अगर किसी बच्चे ने ना में जवाब दिया तब कुचिसा के ओन्ना बिना कुछ कहे ही उसी कैंची के साथ उस बच्चे को बेरहमी से मार देती थी। कौन है ये कुचिसा के ओन्ना? कहाँ से आई थी वो? क्यों वो ऐसा करती थी? कहा जाता है एक टाइम पे कुचिसा के एक बहुत खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा नाज था। और कुचिसा के पति एक सोल्जर था जो कि उससे बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन उसके पति को जंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और काफ़ी दिनों बाद जब उसका पति घर वापस आया तो वो आके देखा कि उसके साथ किसी गैर मर्द का अफेयर चल रहा है। और ये देख के उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपना तलवार लेके कुचिसा के ओन्ना की चेहरे को काट दिया बहुत ही बुरी तरीके से। और फिर उसने जाके उससे पूछा, क्या तुम्हें अभी भी अपनी खूबसूरती के ऊपर नाज है? और वो औरत दर्द में रोती जा रही थी, उसके खून बह रहे थे और उसके शरीर से इतना ज़्यादा खून निकल गया कि उसका मौत हो गया। और उसके बाद से ही कुचिसा के ओन्ना की आत्मा जापान की गलियों में भटकती रहती है अपना आधा कटा हुआ मुंह को छुपा के। और जब भी वो कोई भी बच्चे को देखती है वो अपना चेहरा भी दिखाती है और उन सब बच्चों से वो पूछती भी है कि वो कैसी दिखती है। और जापान का हालत कुछ ऐसा हो गया था कि बच्चों को घर पे महीनों के लिए बंद करके रखना पड़ता था, स्कूल्स बंद हो गए थे। एंड जब स्कूल्स चालू भी हुए जापान के गवर्नमेंट को पुलिस प्रोटेक्शन देना पड़ा था हर एक रास्ते में, हर एक गली में, हर एक स्कूल के पास, तब जाके जापान के बच्चे स्कूल जाना चालू किए थे। तो यहाँ गाइस यही था आज का स्टोरी नहीं मतलब ट्रू इंसिडेंट। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये सुन के कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके साथ भी कोई ऐसा हॉरर स्टोरी हुआ है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है, मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल बताइए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा से फिर से कोई ऐसा ही डरावना स्टोरी लेके। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।